फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको F6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में ना कॉल फॉरवर्डिंग को कैसे इनेबल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग को इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन करना है, ठीक है। तो डायल पैड ओपन कीजिए। आप देखिए यहाँ पे डायल पैड में सबसे ऊपर आपको एक डॉट का ये ऑप्शन दिखता है, डॉट पे टैप करना है। आपका एक पेज आता है छोटा सा, इसमें सेटिंग पे टैप करना है, ठीक है। आपका ये पेज आएगा, इसमें आपको नीचे ना कॉलिंग अकाउंट का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपका ये पेज आता है, इसमें आपको एक कॉल फॉरवर्डिंग पे टैप करना है। तो आपका ये पेज आता है, इसमें दो ऑप्शन है, वॉइस कॉल वीडियो कॉल। तो आपको जिसमें कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल करनी है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर दोनों में इनेबल करनी है तो आप एक एक करके कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको वॉइस कॉल के बारे में बता देता हूँ, वीडियो कॉल में सेम वही प्रोसेस काम करेगा, ठीक है। तो मैं वॉइस पे टैप कर लेता हूँ। अब देखिए हमारा पेज जो है यहाँ पे रीडिंग सेटिंग होता है इस तरीके से, तो ये थोड़ी देर तक होगा, 10 से 15 सेकंड आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा जो रीडिंग सेटिंग हो रहा था ना कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपको इस वाले पेज में सबसे ऊपर ये ऑलवेज फॉरवर्ड लिखा है ना, ऑलवेज फॉरवर्ड पे टैप करना है। तो आपका ये पेज आता है ऑलवेज फॉरवर्ड का छोटा सा। अब यहाँ पर कोई भी एक नंबर आपको एंटर करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नंबर कौन सा एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है। नंबर कौन सा एंटर करना है, आपको ना अपना मोबाइल नंबर छोड़कर किसी दूसरे का मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं जो है अपने फैमिली का मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अपने फैमिली का मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है। देखिए मोबाइल फोन मेरा है लेकिन ये मेरे फैमिली का मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, नंबर एंटर करने के बाद आपको इसे टर्न ऑन पे टैप करना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पेज जो है अपडेट होगा थोड़ी देर तक इस तरीके से। आपको फिर से यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, 10 से 15 सेकंड का, ठीक है ना। देखिए हमारा पेज जो अपडेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ये ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे लिखा हुआ आ रहा है, फॉरवर्डिंग ऑल कॉल टू ये नंबर, जो कि मैंने नंबर रखा था, ठीक है ना। तो इससे हमारी कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाती है, ठीक है। अब ये इनेबल होने के बाद काम कैसे करेगी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, अब कोई भी पर्सन जो है मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करेगा ना, तो वो कॉल मेरे नंबर पर नहीं आएगा। अब वो कॉल जो है ना इस वाले नंबर पर चला जाएगा, यानी जितने लोग मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करेंगे ना, वो सारे के सारे कॉल जो है इसी नंबर पर जाएंगे, मेरे मोबाइल नंबर पे एक भी कॉल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कॉल फॉरवर्डिंग जो है इनेबल करने के बाद ऐसे काम करती है सेटिंग।